गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जो बात करते हैं वो अपन बात है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ऑफ एथिल एसिटो एसिटेट, या अपन क्या बोले एथिलो एथिल एसिटो एसिटेट की कीटो इनोल चलावयवता। ठीक है, कीटो इनोल चलावयवता पर बात करें ठीक है। तो अब अपन जो बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि भाई जो कीटो और जो इनोल रूप है ये क्या है कि भाई अलग अलग साइंटिस्ट से क्या है कि इनको क्लेरिफाई किया गया है, अपनी क्या है डिनोटेड किया गया है, और दोनों ने ही क्या है कि अपना क्या है कि इस रूप को क्या है कि दोनों ने अपने अपने पक्ष में कुछ साइंटिफिक प्रूफ भी दिए। ठीक है, तो इस बेस पर क्या है कि भाई अगर अपन इसकी एसिटोएस्टिक एस्टर की अगर अपन कीटो और इनोल दोनों रूपों की बात करें तो कॉमनली क्या बात मानी गई है कि दोनों ही क्या है सही है। ठीक है, लास्ट फाइनल यही रिजल्ट आया कि दोनों ही रूप क्या है इसके सही हैं। तो इसके लिए भाई सही है, तो इसके लिए क्या है कि भाई कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात क्या है कि जो लेसर सताली था साइंटिस्ट, उसने क्या है कि इसके अनुसार क्या है कि भाई जब रिएक्शन होती है यानी कि हम अपने ऐसा विलयन कोई ऐसा अपने रिएजेंट लेते हैं जो क्या है कि ओनली इसके कीटो रूप के साथ ही रिएक्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि रिएक्शन में क्या होता है कि कीटो रूप की कंसंट्रेशन क्या होती है कम होती जाती है, और क्या होगा कि ये रिएक्शन तब तक होती है जब इसमें इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो इनोल रूप क्या है कि कीटो रूप में चेंज होता जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये जब तक चेंज होता रहेगा जब तक क्या है कि ये पूर्ण रूप से किस में नहीं हो जाए, इनोल रूप में चेंज नहीं हो जाए। और इसी तरह से यदि क्या है कि इसका ओपोजिट करें कि अपने ऐसा कोई रिएजेंट अगर इसमें मिक्स करते हैं कि जिसमें क्या हो कि जो क्या हो केवल ऑन इनोल रूप से करता हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब इनोल की कंसंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर में कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कीटोल रूप इनोल रूप में चेंज होता रहेगा, और सारा कीटोल रूप किसमें इनोल रूप में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो रिएक्शन है यानी कि दोनों साइड में चलेगी, दोनों के साथ कंप्लीट होती है। तो इस बेस पर क्या है कि भाई जो बात है वो क्या आती है कि दोनों ही रूप क्या है इसके सही हैं, लेकिन क्या है कि कीटो और इनोल रूप ओनली किस बात पर डिपेंड करेंगे कि अपना रिएक्शन में किस तरह का अपने को रूप चाहिए उस तरह के अकॉर्डिंग ही ये चेंज होगा। तो इसमें अगर अपने एक छोटी छोटी बातें करते हैं, अब ये तो इसका एक मेन अपने बात की है, तो पहले अपन बात करते हैं इसके इनोल रूप की। तो इसमें क्या है सबसे पहले पहले एसिटो एसिटिक एस्टर को गुथर गुथर ने 1863 में एथिल एसिटेट एसिटेट तथा सोडियम की रिएक्शन से बनाया। ठीक है, और इसकी निम्न संरचना स्ट्रक्चर प्रस्तावित की, रिप्रेजेंट या आप क्या कर सकते हैं डिनोटेड प्रस्तावित की, वो कौन संरचना है इसकी इनोल रूप है। ठीक है, इनोलिक रूप इसने रिप्रेजेंट किया। इसके बाद क्या है कि 1863 में ही यानी कि 1863 में ही फ्रैकलैंड और ड्यूपा ने
इसी रिएक्शन से एसिटो एस्टर बनाया, एसिटो एस्टिक एस्टर बनाया, और उसने क्या है कि क्या संरचना दी इसकी, कीटो रूपाली दी। इसी प्रकार 1863 में, 63 में फ्रैकलैंड फ्रैकलैंड व ड्यूपा ड्यूपा ने इसी रिएक्शन से, सेम रिएक्शन यानी कि एथिल एसीटेट की सोडियम के साथ रिएक्शन से, इसी रिएक्शन से एसीटो एसिटिक एस्टर बनाया तथा निम्न संरचना प्रस्तावित की, या अपन डायरेक्टली बोल दें कि यहाँ पर क्या है, कीटो संरचना प्रस्तावित की। ठीक है, तो संरचना इसकी कीटो संरचना क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 COO, C2H5, ये कौन सी इसकी कीटो संरचना। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई दोनों ने अपने अपने पक्ष में क्या है कि कुछ क्या दिए, प्रूफ दिए। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कि गुथर की संरचना अर्थात इनोल रूप के पक्ष में प्रमाण, ठीक है, एविडेंस। फर्स्ट अपन बात करेंगे कि दोनों ने अपने अपने पक्ष में क्या दिए हैं, प्रूफ, एविडेंस दिए हैं। तो एविडेंस में अगर अपन फर्स्टली अपने किसकी बात करेंगे, एविडेंस इन फेवर ऑफ गुथर फॉर्मूला, और क्या बोल सकते हैं, इनोल फॉर्म। ठीक है, तो इसके पक्ष में क्या क्या यहां पर प्रमाण है, तो यहां पर फर्स्ट आता है, इसने जो अपने साइंटिफिक जो कुछ रीजन दिए यहां पर इस अपने पक्ष में, तो क्या है कि भाई फर्स्ट जो रीजन आता है वो इसका प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या था कि जब एसिटोएस्टिक एस्टर की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो इसका सोडियम साल्ट बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या है कि किसका अपने रिप्रेजेंट करती है, ओ एस समूह की, यानी किसकी, भाई आपको पता है कि भाई जो सोडियम साल्ट है, सॉरी, इसका क्या है कि जो एसिटोएस्टिक एस्टर है तो इसमें ओ एच ग्रुप है, और ओ एच ग्रुप को अपन क्या मानते हैं, बेसिक ग्रुप मानते हैं। ठीक है, तो अब अपने को ये पता है कि चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, ठीक है, तो दोनों का एक मेन करेक्टर क्या होता है कि मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो जब इसकी मेटल के साथ यानी कि सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इट मीन क्या है कि ये एक बेसिक है, और बेसिक मीन यहाँ पर क्या है कि इसमें ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट रीजन इसका क्या बताया इसने, फर्स्ट रीजन क्या दिया इसने, जब एसिटो एसिटिक एस्टर की सोडियम के साथ रिएक्शन कराई जाती है, रिएक्शन कराई जाती है, तो इसका सोडियम साल्ट व H2 गैस बनती है, जो क्या है, रिएक्शन में OH ग्रुप की प्रेजेंस
को इंडिकेट करती है। यानी कि क्या करती है, इसका सूचक होती है। ठीक है, जैसे अपने इसकी रिएक्शन बताएं तो यहाँ रिएक्शन कंप्लीटली ना बता करके अपना शॉर्टकट में बताएंगे बस मात्र कि OH ग्रुप लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका सोडियम साल्ट बन जाएगा और प्लस क्या बनेगी, H2 गैस रिलीज होगी। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इसके साथ क्या लग जाएगा, टू, ये जो अपने ब्रैकेट बना करके लिख रहे हैं, इट मीन यहाँ पर आपका जो बाकी कार्बनिक के जो ग्रुप है ये पूरा है यहाँ पर। ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रुप जो है, और इसके आगे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका एविडेंस है कि जिसमें क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद इसने सेकंड यहाँ पर क्या दिया कि जब इसकी ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के एल्कोली विलयन के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रोमीन है, आपको पता है ब्रोमीन क्या होती है, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो ब्रोमीन का क्या हो जाता है कि रंग उड़ जाता है, यानी कि उसका कलर फेड हो जाता है, यानी कि वो कलरलेस हो जाता है। जो क्या है कि रिएक्शन में क्या देता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्या करता है, पुष्टि करता है, क्लियरिफाई करता है। ठीक है, क्या है बी इसका फेवर क्या था, जब एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन ब्रोमीन के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ कराई जाती है तो ब्रोमीन का कलर उड़ जाता है, जो किसको इंडिकेट करती है, जो रिएक्शन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्लियरिफाई करता है। ठीक है ना, कि आपको पता है कि भाई जो एल्किन्स होती है वो ब्रोमीन के साथ क्या करती है कि रिएक्शन करके क्या करती है कि ब्रोमीन ब्रोमीन का कलर फेड कर देती है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट पेज ओवर, ये रिएक्शन देंगे यहाँ पर। अब जो एसिटो एसिटिक एस्टर का जो इनोल रूप है उसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर बाकी जो आपको जोड़ना वो जुड़ जाएगा यूं का यूं। ठीक है, और इसकी आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव मिल जाएंगे, एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है कि डबल बॉन्ड की क्या करता है, पुष्टि करता है। ठीक है, इसके बाद जो अदर सिस्टम बताया कि अगर इसकी क्या है, डाई एजो मैथेन के साथ अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो मैथिल ईथर बनता है। ठीक है, यह अभिक्रिया में क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप की क्या है, ये करेक्टिव स्टैटिक्स है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले क्या है कि डायजो मैथेन के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं कि वो ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस बेस पर क्या है कि ये एक इसका ये मेथड, इसका एक ये एविडेंस है, यदि एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन डाई एजो मैथेन मैथेन के साथ कराई जाती है
मैथिल ईथर बनता है, ठीक है, जो किसका एविडेंस हो जाता है, जो किसकी प्रेजेंस को, जो OH ग्रुप का लक्षण है, करेक्टर करेक्टर स्टैटिक्स है, ठीक है। तो इसमें OH ग्रुप की रिएक्शन आप बताएंगे, ये OH ग्रुप वाली प्लस CH2N2 डायज़ो मेथेन हो गई, इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, OCH3 और प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन को यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर करता है। इसी तरह से क्या है कि फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ ये क्या है कि बैंगनी कलर देता है, ठीक है। और जो क्या है कि फिनोल या इनोल रूप की क्या है, फिनोलिक या अपन क्या कहते हैं कि इनोलिक इनोल रूप की क्या है, उपस्थिति का प्रमाण देता है। लास्ट एविडेंस इसने क्या दिया है, FeCl3 विलयन सॉल्यूशन के साथ यह वॉयलेट वॉयलेट कलर देता है, ठीक है, जो इनोल ग्रुप की प्रेजेंस प्रेजेंस का एविडेंस है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो इसका इनोल रूप है, इनोल फॉर्म है, उसका क्या है कि एविडेंस है। अब जो बात होगी वो बात होगी अपनी जो फ्रैगलैंड और ड्यूपा द्वारा जो संरचना यानी कि इसके कीटो रूप के पक्ष में प्रमाण यानी कि एविडेंस इन फेवर ऑफ कीटो फॉर्म, ठीक है। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।